जोर गे सभी इचाकड़क वन विरोधी संघ रेन तमाम पदाधिकारी को तीसिंग वर्तमान रे अब बारा दिसम रे एसु ज्वलंत मुद्दा तिंगुए के ओकुना ची वन नेशन वन इलेक्शन मेन्तिया मुद्दा रे तीसिंग जगह चपगर अब आधारना ची इचाकड़क वन विरोधी संघ ने निमित्ते इचा डेम प्रभावित तो एरिया रे लगातार जमीनी स्तर किन पैटी तना ओकोंतारे ओतिहासा को रेयोतना एन लोतेगे देश रे संविधान रे ओकोंता कतरा हुबा ओतना चो लोकसभा रिया कतरा हुबा ओतना विधानसभा रिया कतरा हुबा ओतना नेन विसारियो लगातार जमीनी स्तर पर रे चकड़ के बांध विरोधी संगे पार्टी तना ललत ललके ते कि ना बुचे दिन रे तमार क्षेत्र रे आदिवासी कुल ओते कोन लेकाना शोषण को हुबांतना चाहिए ओतिहासारिया को रे हुबांतना नेन विसारियो अकिन एसु बुगिन विचार को किन एम कहते कि नन रियो किन शामिल लेनते कि नन थिसिंग ओंडो मिसे इचाकड़ के बांध विरोधी संघ रे सभी पदाधिकारी को हो समाज लाइव पाते आपे मन को इलादार मेना ओंडो साथ रे अली लोते मस्कल न्यूज जो मेना किने इन पाते रे आपे मन को ऐसो पूरे ते इलादार मेना ने निमितेंगा अब सामनांग रे प्रेस कॉन्फ्रेंस लागित ते इचाकड़ के बांध विरोधी संघ रे उपाध्यक्ष श्री रियान समार्थिकिन ऐसो पूरे इलादार एनलो एनलो तेगे अब इचाकड़ के बांध विरोधी संघ रे सचिव तिकिन मिना किने हिरला सुरेश सोयदा तिकिन अकिनो ऐसो पूरे इलादार और समाज लाइव रे मस्कल नहीं रे एंडो एनलो ते अब मीडिया प्रभारी हिरला रविंद्र हालडा तिकिन अकिनो मारे ऐसो पूरे अभिनो इलादार एनलो ते अब कोषाध्यक्ष तिकिन मिना किने हिरला गुलिया कलुडिया तिकिन अभिनव के मारे ऐसो पूरे जुआर लोते सभी को गे ऐसो पूरे ते इलादारा तीसिंगे मुद्दा ऐसो गोनों किया एंते चिकिची नन वर्तमान रे अब वे देश से सभी को तो ज्वलंत मुद्दा तिंगु के ने आयरलिंग का जिक्र लेकर ची एक राष्ट्र एक चुनाव में तिया नन बिसारे तीसिंग बु उसार बिसार तान बु चिरगे लिया अर पा मस्कल न्यूज रिपोर्ट आया सभी को ते पहला सवाल नेना तना ची ना ओको ना ज्वलंत मुद्दा किन जगह कड़ा एक राष्ट्र एक चुनाव निना चीना में दूर करा निना रे समर्थन रे ओंडो विपक्ष रे एसु पूरे तनगा तनगा प्रतिक्रिया हुजू तना निर्वाचन आयोग स्वयं निना का जी तना ची चुनाव प्रणाली रे बदलाव दूर करा सभी प्रकार रे चुनाव लोकसभा विधानसभा नगर पालिका पंचायत चुनाव एक साथ एक समय रे हुआ त्या दूर करा नेन रे चिकन प्रतिक्रिया मिना सबन को जोहार सबको मैं नमन करता हूँ। सही मायने में आज के समय में जो चुनौतियाँ हमारे सामने वन नेशन वन इलेक्शन यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। इससे पैसों का खर्चा या भ्रष्टाचार का खर्चा या इस राज्यों में जब एक चुनाव होती है विधानसभा की चुनाव या लोकसभा की चुनाव होती है तो क्योंकि ये स्टेज बाई स्टेज होती है उसके कारण पता चला कि भाई 3 महीना यदि सरकारें बनती है किसी राज्य में तब तक लोकसभा का चुनाव किसी राज्य में होना शुरू होता है या तो विधानसभा का चुनाव किसी अन्य राज्यों में हुआ रहता है। उसके चलते प्रशासन पर या सरकारों पर जो क्रियाकलाप हैं जो योजनाएं हैं उस पर प्रभाव होना लगता है ऐसे महसूस होता है। और सही मायने में आज के समय में यदि हम देखें वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से लोगों की देखा जाए तो सही लगता है परंतु हमको ये समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद क्या है क्योंकि भारत का संविधान में जो अंगीकृत है हमारा अंगीकृत है संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रमय गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो संविधान का उद्देशिका में निहित है इसी उद्देश्य के लिए हर चीज़ें चलती है कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका का गठन होता है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन करने से ये जो हमारा संविधान का मकसद ये पूरा होता है हमको ये देखना होगा तभी हम कह सकते हैं कि हाँ संविधान में या इलेक्शन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है अगर होता है। लेकिन देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री से लेके विधायिका में जो मंत्रिमंडल है इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। 1947 से आज हम 2024 में पहुंचे यानी आज़ादी का 78 ईयर्स और 2047 में हम 100 साल पूरा करेंगे मतलब आज़ादी का 100 साल और आज़ादी का इस 100 साल का 78 ईयर में हम वन नेशन वन इलेक्शन का बात कर रहे हैं। लेकिन देश के सामने क्या चुनौती है देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ आज के समय में यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखेंगे आप मतलब भुखमरी की समस्या देश में पूरा विश्व में भारत की रैंकिंग पूरा विश्व में भारत की रैंकिंग
125 देशों में 111 स्थान पर। कितनी भयावह स्थिति है हमारे इस देश की। भुखमरी, लोगों को दो वक्त का रोजी रोटी नहीं मिलता है, कुपोषण की समस्या, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा एक है बेरोजगारी सूचकांक में आपकी रैंकिंग क्या है भारत की, पूरा विश्व में। तब आप वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में आप बात कीजिए, पहले आपके देश में समस्या क्या है संविधान के रहते हुए। तो वन नेशन वन इलेक्शन में बेरोजगारी की सूचकांक में आपका रैंकिंग क्या है, गरीबी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, आपको समझना होगा। गरीबी पूरा गरीब है वहाँ। इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की रैंकिंग में यदि यहाँ पर 170 देशों का निकाला गया आंकड़ा, उसमें आप 148 के स्थान पर आप हैं, जहाँ पर आपका आर्थिक असमानता, मतलब यहाँ पर पैसों की कमी है लोगों के पास में। कोई बहुत अमीर हो गया है, कोई बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि 10 रुपये 20 रुपये भी नहीं कमा सकते, यह है असमानता। जबकि संविधान में तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा उत्पीड़न, महिला सुरक्षा उत्पीड़न में टॉप 10 देशों में ये आता है भारत, कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न सबसे ज़्यादा भारत के साथ साथ विश्व का 10 देश में हमारा ये देश आता है। दूसरा, वायुमंडल प्रदूषण के मामले, वायुमंडल प्रदूषण के मामले में भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र सूचकांक, ये लोकतंत्र सूचकांक में ये त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा गया इस देश में। क्यों? क्योंकि एक बार किसी जनता यदि किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो 5 साल तक को नहीं देखती है, पूछने भी नहीं आती है। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र का जो मकसद है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, तो लेकिन महसूस ऐसा नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले चुनाव होता है, उस समय आपके प्रणाम करने, जोहार करने नेता आएगा, लेकिन 5 साल पूरा होने से केवल 6 महीना बाद ही वो लोग योजनाओं को लाता है, पूछता है आपसे, भाई इलेक्शन आ रहा है। दूसरा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स आपके ऊपर हावी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान के अनुसार जनता मालिक है लोकतंत्र का, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के हावी होता है, यानी पुलिस प्रशासन से लेके उसका जो ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाही, जिसको लोक सेवक बोलते हैं, वो आपके ऊपर डंडा भी मारती है, आपके ऊपर शोषण भी करती है, लेकिन रुपए पैसे टैक्स के द्वारा उन्हीं को आप, लेकिन आम जनता जो है ना गरीब है। तो ऐसा भयावह स्थिति में एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन की औचित्य क्या है आज के समय में, इतनी बड़ी समस्याओं के होते हुए, जहाँ पर सूचकांक को देखिए, हम लोग का नहीं है, आप ग्लोबल इंडेक्स में देखिए, ये भयावह स्थिति है। ऐसा स्थिति में वन नेशन और वन इलेक्शन की वर्तमान समय में जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। अच्छा साहब, निम्न आज़ादी ते 78 साल बाद रे ऐसो पूरे ना समस्या रिया ची चुनौती रिया बेन जिक्र केड़ा ऐसो पूरे चर्चा केड़ा इन दो नैन रिया कारण तो चिना आतना ओको इतरो ने रिया दोषी दो अबिना राय ने रे चिल के बेन अदाया चिल के बेन ने लिया अबिना लगाते। ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि संविधान सभा में जो लोग गए थे उस समय, आज के समय जितने पढ़े लिखे लोग हैं उससे तो ज़्यादा नहीं, संख्या में कम है उस समय, पढ़े लिटरेचर लेवल उस समय 1947 से बहुत ज़्यादा नहीं था। आज कई लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स में भी, आईएएस डीएसपी लेवल का जो भी है ब्यूरोक्रेट्स में, सेक्रेटरीट लेवल में भी, वो लोग भी उस समय के पूर्वजों से ज़्यादा पढ़े लिखे आज के समय में हैं। लेकिन उन्होंने जो कानून बनाया बेहतरीन बनाया, लेकिन दोषपूर्ण साबित हो रहा। इसका कारण एक ही है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जो काम करना चाहिए संविधान के अनुसार, इस संविधान के अनुसार से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन तंत्र संचालित नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी यहाँ है। शासन तंत्र संचालन का मतलब होता है कि मौलिक अधिकारों को बिना न्यून किए राज के नीति निर्देशक तत्व में जो 37 से लेकर 51 तक आर्टिकल्स दिए गए, उनका पालन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को संघ सूची पर, राज्य सूची पर और समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाना होता है। लेकिन यहीं पर कानून तो बनती है, परियोजनाएं बनती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यून करते हुए और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल्स 13 में लिखा है राज ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। और न्यायपालिका जैसी होनी चाहिए वैसा आज नहीं है। विधि के समक्ष समता की हम बातें करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में वो नज़र आ नहीं आता। नज़र भी आनी चाहिए, क्यों?
जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है उन्हें बेल मिल जाता है, उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई गरीब है वहां पर न्यायपालिका में वो मतलब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पिताजी ने यदि केस लड़ा था उसका बेटा भी उसी केस को लड़ता है। यदि छोटा सा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये या कोई मुर्गी चोरी के लिए किया गया या कोई पेड़ को काटा गया, पेड़ों का विवाद हुआ दो भाइयों के बीच में, उन दो भाइयों के बीच में आज जेल के सलाखों के पीछे छोटी छोटी, लेकिन जो अरबों करबों का लूट करता है या कोई हत्या करता है कोई बलात्कार करता है वो एक निश्चित अमाउंट फीस दे करके एक दंड स्वरूप दे करके वो बेल से बाहर निकलता है। लेकिन गरीब जो लोग हैं तो विधि के समझ समता का कहाँ हुआ? न्यायिक व्यवस्था वैसा नहीं है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में भी जो लोग बैठे हैं वो लोग बोल एक सौ एक हैं, वो भी जनता के द्वारा उन्हें टैक्स मिलता है, लेकिन वो जनता के प्रति उतना वफादार नहीं होते हैं जो गरीब लोगों के प्रति। अमीर लोगों के लिए तो एक से एक वकील मिलेंगे, एक से एक जज मिलेंगे, लेकिन गरीबों के पास जिनके पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई जज सामने नहीं आता है बिना फीस का और ना ही वकील आता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ों में आज 78 साल में थोड़ी कमी हुई है, तो इसको सुधार करना पड़ेगा। जोहार हो समय लाइव लेलतान हगे बोयानो बाला सका बाला बुंदु को आप एमन को ताते इकली सानंगवा बीच रेली डिस्टर्ब कर पर सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू ने निमित्त अब वन नेशन वन इलेक्शन बिसा रे एसु विस्तार तो एसु इंटरेस्टिंग के साथ वो चर्चा करते कि नमें तो वीडियो एसु लंबा होता लेकते नैन पार्ट वन रिया बाग निंत अर्गली तुंडु इतने पार्ट टू रे ओंडो इंटरेस्टिंग ओंडो नैनाए ते वन नेशन वन इलेक्शन ते चिल्के राजनीतिक ओंडो देश रे ओंडो एन लो आम पब्लिक को चिल्के प्रभावित हुआ चिमिन चिल्के नुकसान हुआ नैन बिसा रे पार्ट टू रे एसु विस्तार तक जगह रखा हिरला सुरेश चंद्र सोयद तिकिन जरूर पार्ट टू बोले ले जा ना लगे निमिनेंगे पार्ट वन रेली रिकेतना चिकेची एसु पूरे लना यार आपे मन को समय कब एम दिए वो मुकुंज मन कहते नेक्स्ट पार्ट जरूर बोले ले जा पार्ट टू हो समाज लाइव रे वन नेशन वन इलेक्शन विषय रे एसु गैन और एसु विस्तार ते चर्चा हो बनतना पार्ट टू वीडियो रे जो का झलक बोले नौता। न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि 68 या 70 आसपास राजनीतिक दलों से चर्चाएं की गई है, तो क्या देश राजनीतिक दलों का है? जनता से पूछा है ना? तो जनता से इन्होंने क्यों नहीं पूछा है? तो वोट उसी समझो समानता, आप हमसे वोट लेते हो क्योंकि सत्ता पावर्स हमारे पास है, लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है आप राजनीतिक दलों से चर्चाएं करती है। राजनीतिक दलों तो सत्ता के लिए लड़ती है, उनको देश में क्या होता है उससे वो इसको मतलब नहीं है, इनको सत्ता तक हम कैसे पहुंचे उसके लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन से यदि चुनाव होना है आज के समय में, तो जब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा नहीं प्रतीत होता है ऐसा लगता है इन 78 ईयर्स में।